So hello everyone. So we are starting our next topic again, काफी important exam के लिए. That is SA 570 going concern, right? So this standard again, it is one of the most important standards of auditing. SA 550 जो related parties का है, SA 560 जो subsequent events का है, and SA 570 जो going concern का है. तुम समझ लो कि ये जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं. रेदर आई विल से 540 आल्सो, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट. तो ये जो चार स्टैंडर्ड्स का गुच्छा है ना, एक 540 से लेके 570, मतलब ये सारे बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं. ऑल दिस आर वेरी नाइस स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, और ये चार में से किसी दो स्टैंडर्ड में तुमको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है नॉर्मली, ऐसे 540 से लेके 570. तो ऐसे 570 दैट इज गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड हमारे लिए प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या है, दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज. गोइंग कंसर्न क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन. कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. तो कौन से तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे जो AS1 में पढ़ते हो, गोइंग कंसर्न, एक्रुअल एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है. तो पार्टिकुलरली उन्हीं तीन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल का अलग से स्टैंडर्ड बना के रखा है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एज ए 570. सो यू कैन इमेजिन इट इज सो इंपॉर्टेंट कि अपने को यह देखना है कि वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो वायलेट तो नहीं हो रहा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है. तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं. सबसे पहले गोइंग कंसर्न क्या है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है. लेट अस ब्रश अप द अंडरस्टैंडिंग यू ऑलरेडी हैव. तो गोइंग कंसर्न क्या है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है. अब जब हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हमारा बेसिक अजम्पशन क्या होता है कि एंटिटी जो है वो अपना जो धंधा है, अपना बिजनेस है, वो फोरसीएबल फ्यूचर में, भविष्य में चला पाएगा. एंटिटी जो है अपना बिजनेस जो है वो अपना फोरसीएबल फ्यूचर में चला पाएगा. और जब फोरसीएबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट ए वेरी लॉन्ग पीरियड. हम 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल की बात नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि फ्यूचर में कितनी अनसर्टेनिटीज हैं. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करते हैं, अगले 12 महीने की बात करते हैं. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ही क्या होता है कि भैया एटलीस्ट अगले 12 महीने तक तो मेरा एंटिटी का गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है. अगले 12 महीने तक तो मैं अपने बिजनेस को चला पाऊंगा. अगले 12 महीने तक तो अपने धंधे को हम लोग आराम से चला पाएंगे, ठीक है ना. मतलब अगर मान लो लैडस से अगर हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा भी है तब भी हम अपने एसेट्स को बेच वगैरह देंगे तो अपनी लाइबिलिटीज वगैरह डिस्चार्ज कर पाएंगे. दैट इज व्हाट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन मींस. अब इसका इंप्लीकेशन अपने अकाउंटिंग में क्या आता है, इसका इंप्लीकेशन अपने अकाउंटिंग में ये आता है कि जब आप गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते हो तो नॉर्मली जितनी भी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो सारा किसमें बन रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से बन रहा है. तो जब कंपनियां गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही होती है तो फिक्स्ड एसेट्स को वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में वैल्यू करती है. किस चीज में, हिस्टोरिकल कॉस्ट में. तो जिस प्राइस में उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर किया था उस पर्टिकुलर प्राइस में वो वैल्यू करती है. मार्केट प्राइस से उनको कोई लेना देना नहीं होता, they don't have any botheration about the market prices. लेकिन अगर आप liquidation basis follow कर रहे हो, liquidation basis मतलब बंद होने वाला है, entity ने application दे दिया, company ने already application दे दिया ROC को, company ने application दे दिया NCLT को, और company अपना operations बंद करने वाला है, liquidation basis में अपना operation चलाने वाला है, तो वहां पे मतलब company बंद होने वाला है. तो अब company बंद होने वाला है तो accounting कैसे बनेगा, liquidation basis में. तो कोई गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होगा, लिक्विडेशन बेसिस फॉलो होगा. और जब लिक्विडेशन बेसिस फॉलो होगा तो वहां पे क्या लेते हो तुम, रियलाइजेबल वैल्यूज, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यूज लेते हो. अब उसके अंदर भी जो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का पॉइंट है तो टेक्निकली खाली फिक्स्ड एसेट के लिए है, इन्वेंट्री के लिए नहीं है. क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, एज पर AS2 कॉस्ट और NRV व्हिच एवर इज लोअर. लॉजिक बता सकते हो कि सर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपन ने फॉलो किया तो फिक्स एसेट का वैल्यूएशन तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिया, बट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अपन ने कॉस्ट और NRV व्हिच एवरेज लोअर लिया, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू भी हो सकती है. तो लॉजिक क्या है, क्योंकि हमारा इंटेंशन फिक्स एसेट को बेचना नहीं होता बिजनेस चलाते वक्त, इसलिए हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेके चलते हैं. लेकिन इन्वेंट्री का तो पता है कि वो बिकेगा,
इन्वेंट्री का पता है कि वो बिकेगा, इसलिए हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लेस। और लिक्विडेशन बेसिस में अपने को पता है कि फिक्स्ड एसेट भी बिकेगा, तो इसलिए हम उसका रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है ये पार्टिकुलरली सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप के लिए है कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए रेलिवेंट नहीं है। इट्स एन ओवरव्यू कि ठीक है पार्टिकुलरली गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं, टू बी प्रिसाइज पैरा 10 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें क्लियर है कि गोइंग कंसर्न क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, साथ साथ लिखते भी जाना, सिंपल चीजें हैं। जहां सिर्फ सुनना रहेगा मैं तुमको बोल दूंगा कि अभी सिर्फ सुनना है, मैं तुमको बोल दूंगा कि अभी सिर्फ सुनना है, टेक्निकल पोर्शन है, तो बाद में आराम से लिख लेना। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो अपने पोज करके लिख लेंगे, और जो फेस टू फेस के बच्चे हैं वो अपना बाद में आराम से लिख लेंगे, लेकिन अब ये इजी पोर्शन है तो यहाँ पे साथ साथ लिख सकते हो। तो गोइंग कंसर्न क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, हमारा बेसिक अजम्पशन क्या है कि एंटिटी विल बी एबल टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन द फोरसीएबल फ्यूचर, दैट इज नेक्स्ट 12 मंथ्स। अकाउंटिंग कैसे होना है, गोइंग कंसर्न बेसिस की बात करें, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो हो रहा है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस में होनी है, और लिक्विडेशन के हिसाब लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करें तो रियलाइजेबल वैल्यूज के हिसाब से होनी है। अब जाके हमारा चालू होता है स्टैंडर्ड, द रियल स्टैंडर्ड, ऐसे 570। अब किसी भी स्टैंडर्ड में हम दो चीजें सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक चीज बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हिसाब से बनाना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। ये असेस करना कि हमारा गोइंग कंसर्न वैलिड है कि नहीं है, हमें अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से करनी चाहिए या लिक्विडेशन के बेसिस के हिसाब से करनी चाहिए, ये असेस करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम तो नहीं है। तो मैनेजमेंट का काम है इनिशियली कि मैनेजमेंट क्या करेगा, असेसमेंट करेगा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का, असेसमेंट करेगा कि भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा वैलिड है क्या, है ना, हम फोर्सिएबल बिजनेस रन कर पाएंगे क्या, एंड अकॉर्डिंगली असेसमेंट करने के बाद मैनेजमेंट क्या करेगा, अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाएगा। तो हमारा काम क्या होता है, मेनली ये देखना कि जो असेसमेंट मैनेजमेंट ने किया है वो सही है कि नहीं है, जो असेसमेंट मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का किया है वो बराबर है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट का काम है असेसमेंट करना वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज वैलिड। अब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन असेस करने से पहले हर साल बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेगा। मैनेजमेंट क्या करेगा, जब भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन असेस करेगा तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एसेस करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स यू नो कंसिडर करेगा, जैसे कि फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसिडर करेगा, दे विल कंसिडर द फाइनेंशियल फैक्टर्स, दे विल कंसिडर सेवरल ऑपरेटिंग फैक्टर्स, दे विल कंसिडर सेवरल इंटरनल फैक्टर्स, दे विल कंसिडर सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गोइंग कंसर्न के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर ही रेलिवेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स रेलिवेंट होते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, कंपनी लॉसेस में चल रही है, कंपनी लॉसेस में चल रही है, कंपनी का जो खर्चा है वो निकल नहीं पा रहा, कंपनी इन लॉसेस, तो वो एक गोइंग कंसर्न के लिए इंडिकेशन है कि भैया गोइंग कंसर्न खतरे में है। जैसे अभी जो बाइजूज है, तो बाइजूज एक पर्टिकुलर कंपनी है कि भाई जिसका गोइंग कंसर्न खतरे में है, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहां पे फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को फाइनेंशियल फैक्टर्स देखना होता है, अपने को ऑपरेटिंग फैक्टर्स भी देखने होते हैं। ऑपरेटिंग फैक्टर्स मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मान लो लेट अस से फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली वी आर डूइंग वेल, फाइनेंशियली वी हैव वी आर अर्निंग वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऑपरेशनल इश्यूज हैं। कंपनी के जो मेन कंपनी को चलाने वाले लोग थे वो छोड़ के चले गए, या मेन सोच के देखो कि कंपनी एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट है, कंपनी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट है, कंपनी कोई ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस कर रही है कि पार्टिकुलरली उसका सप्लायर्स मिलना मुश्किल है, जो माल आता है वो एक ही जगह से आता है। मान लो काफ़ी सारा बिजनेस इंडिया में ऐसा होता है कि वो पार्टिकुलरली क्या करती हैं, इंपोर्ट का काम करती हैं, वो पार्टिकुलरली इंपोर्ट का काम करती है और माल एक ही देश से आएगा, एक ही जगह से आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वो सप्लायर छोड़ के चला गया, तो ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से तुम्हें बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, राइट, तो ऑपरेटिंग फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, तुम्हें इंटरनल फैक्टर्स भी कंसिडर करने होंगे, तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंसिडर करने होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी तो सब कुछ ठीक है,
कोई डिफिकल्टी नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं है, ऑपरेशनल डिफिकल्टी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, गवर्नमेंट के कुछ लॉज आ गए, गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस आ गए, गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून आ गए, उसकी वजह से तुम्हारी कंपनी बंद हो गई। जैसे दिल्ली में पहले यहाँ पे अप्पू घर हुआ करता था, तो दैट वॉज वेरी पॉपुलर, दैट वॉज डूइंग वेल, दैट वॉज अर्निंग वेल। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि भाई पता चला कि गवर्नमेंट का नोटिस आया कि वो जो अप्पू घर बना हुआ है, वो जो कंस्ट्रक्टेड है, वो एक इलीगल साइट में बना हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली अप्पू घर को बंद करना पड़े अपना ऑपरेशन वहाँ पे। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू गुड़गांव। तो वहां पे क्या हो गया अचानक से, एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उनका गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑपरेटिंग फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा, असेस करेगा कि हमारा गोइंग कंसर्न का अजम्पशन वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट मेनली तीन फैक्टर्स कंसिडर करेगा, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑपरेटिंग फैक्टर्स, ये तो हो गए मेन फैक्टर्स, एंड देन अदर्स, अदर्स। ठीक है, तुम ये भी बोल सकते हो कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑपरेटिंग फैक्टर्स, अदर्स, ये वो इंडिकेटर्स हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कास्ट करेंगे डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। मतलब मैनेजमेंट को ये तीनों फैक्टर्स देखने चाहिए, क्योंकि ये तीन फैक्टर्स में वो सारे इंडिकेशन हैं जिससे मैनेजमेंट को पता चलेगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है कि नहीं है। जब ऑडिटर भी ऑडिट करेगा, जब ऑडिटर भी असेसमेंट चेक करेगा मैनेजमेंट का, तो वो भी इन सारे फैक्टर्स को चेक करेगा, वो भी इन सारे इंडिकेटर्स को चेक करेगा। ठीक है, तो तीन इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स। बहुत आसान है, पहले फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, इसमें तुम बताओगे मुझे, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मिक्स मत करो, तुम उस हिसाब से सोचो, बैलेंस शीट को लेकर सोचो, पी एंड एल को लेकर सोचो, कैश फ्लो को लेकर सोचो, इंडिविजुअली सोचो, तो दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। तो बैलेंस शीट को लेकर सोचो, सबसे पहले बैलेंस शीट को लेकर सोचो, कंपनी फंड्स रेज नहीं कर पा रही है, ठीक है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रही है, कंपनी अपने लायबिलिटीज चुका नहीं पा रही है, लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रही है, फ्रेश बोरिंग्स ले नहीं पा रही है, डेटर से पैसे नहीं आ रहे हैं, और जो पार्टिकुलरली फंडिंग है वो डेटर के ऊपर डिपेंडेंट है वहां पे। ठीक है, और सोचो, लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, नेटवर्थ नेगेटिव है, रेशियोज एडवर्स है, क्या है, रेशियोज एडवर्स है। तो ये सारा क्या है, इंडिकेटर जो तुमको बैलेंस शीट से मिल रहा है। ठीक है, रिजर्व में, रिजर्व का बैलेंस नेगेटिव चल रहा है, रिजर्व का बैलेंस नेगेटिव चल रहा है, हो सकता है। फिर तुम सोचो पी एंड एल को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, लॉसेस, पहला पॉइंट दिमाग में क्या आएगा, सब्सटेंशियल लॉसेस। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है, सब्सटेंशियल, बट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है खाली अपने आप में एक इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है बट कंपैरेटिवली उसकी वजह से अगर लॉस हो रहा है, सब्सटेंशियल लॉसेज हो रहा है, तो अपना मेन इंडिकेटर सब्सटेंशियल लॉसेज है, उसमें आ गया। ठीक है, उसमें कि अपना मेन इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंशियल लॉसेज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबके एंगल से सोचो, कैश फ्लोज नेगेटिव है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स है देखना, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सब्सटेंशियल लॉसेज, एडवर्स रेशियोज, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड। अब तुमको क्या करना चाहिए, पढ़ते वक्त तुमको हमेशा सोचना चाहिए मैं क्या एनालाइज कर पा रहा हूं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां तुम एनालाइज कर पाते हो, तो एटलीस्ट उन जगहों पे तुमको सोचना चाहिए कि मैं क्या एनालाइज कर पा रहा हूं वर्सेस क्या लिखा है। तो जो तुम एनालाइज कर पा रहे हो वर्सेस जो लिखा है वो तो तुमको इजीली याद रहेगा, और जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था उसको अलग से मार्क करो कि ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि भैया उसको रटना पड़ता है, उपाय नहीं है, समझ के रटना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि समझना भी जबरदस्ती समझना पड़ता है, कि समझना है बोल के जबरदस्ती समझना है। तो सब्सटेंशियल लॉसेस, एडवर्स रेशियोज, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, अचानक से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद कर दिया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि जो कंपनी लगातार डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी उसने डिविडेंड डिक्लेयर करना अचानक से बंद कर दिया। नेट लायबिलिटी पोजीशन, कि लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है। अब इस नेट लायबिलिटी पोजीशन को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है,
इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज किया नेट लायबिलिटी पोजीशन, कि लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है, या तुम बोल सकते हो कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव है, ठीक है, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, या विड्रॉवल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, किसने बोला था, विड्रॉवल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। जैसे बायजूस की बात कर लो, तो बायजूस का क्या हुआ है, उसके केस में तो सारे इंडिकेटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स को भी पे नहीं कर पा रहा, सब्सटेंशियल लॉसेस भी हैं, और जिन क्रेडिटर्स उसको सपोर्ट मिलता था, फंडिंग मिलता था, उन लोगों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया कि हम भी फंडिंग नहीं देंगे, हम भी और पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया सारा, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना एग्जाम में क्या सिनेरियो होगा। तुमने कुछ इंडिकेटर्स 250 में भरा, कंसिडरेशन ऑफ लॉ रेगुलेशन वाले स्टैंडर्ड में भरा, कुछ इंडिकेटर्स हमने सब्सिक्वेंट इवेंट का देखा, तो वो क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि क्या सिचुएशन है तो वो फ्रॉड इंडिकेट कर रहा है, क्या सिचुएशन है तो वो नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन इंडिकेट कर रहा है, ऐसा क्या सिनेरियो दिया है क्वेश्चन में कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट इंडिकेट कर रहा है, ऐसा क्या सिनेरियो दिया है क्वेश्चन में कि वो गोइंग कंसर्न का एक इंडिकेटर, कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है उस चीज का इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, मतलब यहां पे फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, मान लो जो कंपनी जिस पे डिपेंडेंट है, कंपनी जिस पे डिपेंडेंट है, कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट है, कंपनी के जो की मैनेजरल पर्सनल है जिनके ऊपर पूरी की पूरी कंपनी डिपेंडेंट है, वो लोग कंपनी को छोड़ के चले गए। तो हो सकता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कंपनी के ना ब्रांड वैल्यूज होते हैं, कुछ लोग कंपनी के फेस वैल्यू होते हैं, तो अगर पार्टिकुलरली वो आदमी छोड़ के चला जाए तो हो सकता है कि कंपनी का वहां पे ऑपरेटिंग, आपने गलत एग्जांपल दिया है, आपने बोला मुकेश अंबानी, बट रिलायंस इज नॉट ए कंपनी जो पार्टिकुलरली एक पर्सन पे डिपेंडेंट है, हाँ ठीक है। बट हाँ, आप ये बोल सकते हो कि वहां पे मतलब मुकेश अंबानी को अगर खांसी भी आ जाए ना तो रिलायंस का प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ की मैनेजर पर्सनल, ठीक है। तो जैसे बीच में हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो बहुत पॉपुलर कोचिंग सेंटर हुआ करता था ईटन सीए, वेरी पॉपुलर ईटन सीए, ईटन सीए द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सीए इंटर। बट वो जो पूरा का पूरा ईटन सीए था वो एक ब्रांड वैल्यू पे चलता था, फेस वैल्यू ऑफ सीए प्रवीण शर्मा सर, ठीक है। अब प्रवीण शर्मा सर ने छोड़ दिया ईटन सीए, उन्होंने अपना क्रिएट कर लिया आयोडाइन, अब उससे क्या हुआ कि अचानक से जो ईटन सीए टॉप में था वो ईटन सीए दिखाई देना बंद हो गया, उसका गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। तो लॉस ऑफ की केएमपी, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, कि उन्होंने अपना मेजर मार्केट शेयर क्या कर दिया, लूज कर दिया। मान लो एक कंपनी मेजरली अपना बिजनेस साउथ में करती थी और उनका जो मेन रेवेन्यूज है साउथ में था, लेकिन अब क्या हो गया कि उन्होंने साउथ का मार्केट लूज कर दिया है क्योंकि साउथ में कुछ नए कॉम्पिटिटर्स वगैरह आ गए हैं, तो ऐसा हो गया कि अब साउथ का मार्केट उन्होंने पूरी तरीके से लूज कर दिया है। तो लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लॉस ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर, जो मेन सप्लायर था उसने माल सप्लाई करने से मना कर दिया। लॉस ऑफ की कस्टमर्स, कि भाई कुछ कंपनीज होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स पे डिपेंड करती हैं, उनके कुछ मोटे कस्टमर्स होते हैं सीधा जो मेन रेवेन्यू दे रहे हैं, वो कस्टमर्स छोड़ के चले गए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज किया, लॉस ऑफ केएमपी यूज नहीं किया, लॉस ऑफ की केएमपी, मतलब हर केएमपी के छोड़ने की बात नहीं हो रही जो तुम्हारे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ मार्केट वर्ड यूज नहीं किया, लॉस ऑफ मेजर मार्केट वर्ड यूज किया, सिर्फ थोड़ा बहुत मार्केट लूज करने से थोड़ी बहुत गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाता है। लॉस ऑफ मेजर मार्केट, प्रिंसिपल सप्लायर वर्ड यूज किया, सप्लायर यूज नहीं किया, तो सप्लायर छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, प्रिंसिपल सप्लायर। की कस्टमर, कस्टमर तो हर बिजनेस में छोड़ के जाता है, की कस्टमर। लेबर डिफिकल्टी, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कंप्लीटली लेबर बेस्ड है, जो लेबर पे डिपेंड करती है, लेबर माल बनाएगा तब वो आगे माल बेचेंगे। जैसे मूवीज में देखते हो ना, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, लेबर ने हड़ताल कर दिया, हर कोई टेंशन में बैठा है कि अरे भाई लेबर काम नहीं करेगा तो कंपनी कैसे चलेगा। लेबर डिफिकल्टी, इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हैंड से कुछ नहीं है बट एक कॉम्पिटिटर ऐसा आ गया कि उस कॉम्पिटिटर ने आपकी बैंड बजा दी और उस कॉम्पिटिटर के आने की वजह से आपका गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया,
उस कॉम्पिटिटर के आने की वजह से, ठीक है ना, क्या हो गया आपका गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो तो कितने सारे प्लेयर्स थे, जैसे ही जियो आया, जियो के एक एंट्री की वजह से कितने सारे प्लेयर्स गायब हो गए। मतलब उस वक्त जो उन कंपनीज का मैनेजमेंट रहा होगा, मान लो रिलायंस था, एयरसेल था, ठीक है, टाटा था, तो उस वक्त उन कंपनीज का जो मैनेजमेंट रहा होगा उन्होंने असेसमेंट करा होगा गोइंग कंसर्न का कि भाई जियो की आने की वजह से हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। तो इमर्जेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। एंड देन वी हैव अदर्स, मतलब जो ना फाइनेंशियल कैटेगरी में आएगा ना ऑपरेशनल कैटेगरी में आएगा, मगर इंडिकेशन तो है, मगर इंडिकेशन तो है। तो वो आपसे एग्जाम में किसी इंडिकेटर को देखे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है या ऑपरेशनल इंडिकेटर है या ये अदर इंडिकेटर है या ये तो इंडिकेटर है ही नहीं, उस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, कि अगर आप श्योर नहीं हो फाइनेंशियल इंडिकेटर है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर है, तो यू कैन जस्ट मेंशन इंडिकेटर, ठीक है। उल्टा डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आसान होता है, काफी लोग सोचते हैं कि एमसीक्यू इज मोर इजी, उल्टा डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आसान होता है। डिस्क्रिप्टिव में ना आप थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव होकर खेल सकते हो, बट एमसीक्यू में आपको एग्जैक्टली ध्यान रहना होगा, एग्जैक्टली वहां पे पता रहना होगा, ठीक है। और काफी लोगों को ये लगता है एमसीक्यू है मतलब बहुत इजी है, एमसीक्यू आने की वजह से इजी है, और वो सारा ऑप्शन वो बिल्कुल एक जैसा इस तरीके से बनाएगा कि एक्चुअली फर्स्ट तो यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन आउट, पहले तो ये एलिमिनेट करो कि क्या गलत है, उसके बाद तुम बचे हुए में से देखो क्या सही है, और वो सारा स्टेटमेंट एक जैसा लगेगा, वो दो वर्ड की वजह से तुमको समझ में आएगा खाली कि विच इज द राइट आंसर। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लॉ चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज होने की वजह से, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के कानून चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट का लॉ चेंज होने की वजह से उनको अपने ऑपरेशंस शट करने पड़ते हैं, ठीक है। जवान मूवी देखी है, तो जो जवान मूवी है उसमें दिखाया गया कि काफी सारे जो फैक्ट्रीज है ना, तो काफी सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो मतलब शहरों में कंस्टिट्यूटेड है, शहरों में बने हुए हैं, तो काफी सारा फैक्ट्री जो शहरों में बना हुआ है तो इलीगल है, क्योंकि उससे क्या होता है कि इट इज वेरी हजार्डस फॉर द पब्लिक हेल्थ। तो फिर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, वो कैसे आता है क्या आता है वो तो मूवी में दिया हुआ है, जबरदस्ती आता है ये वो, बट वो गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि भाई सारा इलीगल फैक्ट्री बना हुआ है इसलिए बंद करो, तो चेंज इन लॉ। पहले गवर्नमेंट, मान लो पहले गवर्नमेंट अलाउ करता था शहरों में कोई काम करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लग गई, अब गवर्नमेंट मना कर रहा है। पहले गवर्नमेंट ने टॉप फ्लोर, पहले काफी सारी बिल्डिंग, काफी सारा, जैसे मान लो लेटस से अभी हुआ था रिसेंटली कि एक एमसीडी का नोटिस आया लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, कि जो टॉप थर्ड फ्लोर या उसके ऊपर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो थर्ड फ्लोर या उसके ऊपर चला रहे हैं, वो वहां कोचिंग नहीं ले सकते। तो अब जैसे ही वो नोटिस आया एकदम से इंडिकेशन आ गया कि उनका गोइंग कंसर्न खतरे में, तो चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन। मान लो तुम बिहार में 7-8 साल पहले तुमने कोई दारू की फैक्ट्री खोली थी, अब नीतीश गवर्नमेंट आई, सीधा नोटिफिकेशन, सीधा कानून चेंज हो गया कि भाई अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, तो फैक्ट्रीज बंद, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे गुवाहाटी में मान लो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, ऐसे बहुत सारे कैफेज थे जो कंप्लीटली हुक्का बेस्ड थे, हुक्का पे डिपेंडेंट थे, कि दे वर डिपेंडेंट ऑन हुक्का फॉर देयर बिजनेस। अचानक से गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया, नोटिफिकेशन आया कि हुक्का आर कंप्लीटली बैंड इन गुवाहाटी, तो क्या हुआ, सडनली गोइंग कंसर्न खतरे में, चेंज इन लॉज, पेंडिंग लिटिगेशन, अचानक से केस फाइल हो गया, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राम राज्य चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मैगी का एग्जांपल याद करो, बीच में क्या हुआ था, अचानक से मैगी अगेंस्ट केस आया, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन बैठा, पता चला कि उन्होंने कुछ हैजर्डस चीजें यूज करी हैं, सीधा इंडिया के मार्केट से उनको बैन कर दिया गया कितने टाइम तक, तो कोई केस फाइल हुआ, पेंडिंग लिटिगेशन, अप्पू घर जो दिल्ली में बना हुआ था, केस फाइल हुआ कि भाई इलीगल साइट पर बना हुआ है फैक्ट्री, वो इतना अच्छा अम्यूजमेंट पार्क बंद हो गया, पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, ये भी एक इंडिकेटर है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, जैसे कंपनी एनवायरमेंटल लॉ कंप्लाई नहीं कर रही। अब देखो रिलेट करो, कंपनी एनवायरमेंटल लॉ कंप्लाई नहीं कर रही, तो अगर कंपनी एनवायरमेंटल लॉ कंप्लाई नहीं कर रही तो ऐसे 250 तो लगेगा ही लगेगा, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर लॉज विच डू नॉट हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर,
एंड एज अ ऑडिटर यू आर सपोज टू ऑब्टेन अ डिटेल्ड जनरल अंडरस्टैंडिंग बट साथ साथ दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर की गोइंग कंसर्न माइट बी इन डेंजर. आप लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहे, हो सकता है कल को एनवायरमेंटल लॉज कंप्लाई ना करने की वजह से या लेबर लॉज कंप्लाई ना करने की वजह से या फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लाई ना करने की वजह से आपके ऊपर नोटिस आ जाए कि फैक्ट्री बंद करो, बिजनेस बंद करो, तो इट्स ऑल्सो इंडिकेटर. ये लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा दिया है यहां पे, अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ्स. अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ्स. कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है डिजास्टर. कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? डिजास्टर. ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो एक मेजर डिजास्टर आया. ऐसे 560 में भी डिस्कस किया था हमने कि एक मेजर डिजास्टर आया जिसकी वजह से एंटिटी का सबस्टेटम खतरे में आ गया, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया. अब अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो, माना कि अर्थक्वेक आया, माना कि आग लगी, माना कि भयानक आग लगा, माना कि कंपनी का वहां 1 करोड़ का लॉस हो गया, बट कंपनी ने उसे इंश्योर करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, तो इन दैट सिचुएशन भले ही गोइंग कंसर्न खतरे में आया बट क्या हुआ? पैसा मिल जाएगा, कंपनी बच जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा. हाँ, ऑब्वियसली पार्टिकुलरली मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अब मान लो लेट अस से नॉर्मली अर्थक्वेक वगैरह में नहीं मिलता बट फायर वगैरह में मिल जाता है, तो कोई कैटास्ट्रोफ आया तो वहां पे क्या हो गया कि तुमको इंश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया. काफी कंपनीज तो क्या करती है, बिजनेस नहीं चल रहा, जान मुझके आग लगा दिया क्लेम देने के लिए. तो ये भी एक इंडिकेटर है अगर वो अनइंश्योर्ड है, अगर वो अंडर इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस नहीं करा रखा. कैटास्ट्रोफ होना अपने आप में एक इंडिकेटर नहीं है कि गोइंग कंसर्न खतरे में है, लेकिन अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो इंडिकेटर है. अब तुमको वर्ड एग्जैक्टली यूज करना पड़ता है. देखो, तुम डिजास्टर भी यूज कर सकते हो, है ना, तुम डिजास्टर भी यूज कर सकते हो, कुछ गलत तो नहीं है. तुम ट्रेजेडी भी यूज कर सकते हो, तुम इंसिडेंट भी यूज कर सकते हो, बट यहां वर्ड क्या यूज किया? कैटास्ट्रोफ्स. तो तुमको भी यूज करना है कैटास्ट्रोफ्स, ठीक है. बाकी देखो, 3 इंडिकेटर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर्स. निमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हो या फिर लॉजिकली भी याद कर सकते हो. अगर निमोनिक के थ्रू याद करना है तो तुम याद कर सकते हो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. तो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज, तुम्हारा जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो तुम क्या हो जाते हो? बहुत ही सैड. तुमको जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो तुम हो जाते हो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हो, ठीक है. तो अब तुम यहां पे क्या कर सकते हो, क्या क्या याद कर सकते हो? सैड INC मतलब सैड इंडियन नेशनल कांग्रेस, सैड INC फाइनेंशियल इंडिकेटर, सैड INC. एज फॉर सब्सटेंशियल लॉसेस, ए फॉर एडवर्स रेशियोज, डी फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, आई फॉर इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, एंड फॉर नेट लायबिलिटी पोजीशन, एंड सी फॉर क्रेडिटर्स का सपोर्ट, क्रेडिटर्स ने सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया, सी फॉर क्रेडिटर्स ने सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया, ठीक है. तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स सैड INC. ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, LLP सुना है ना, लेकिन यहाँ पे LLC, LLP नहीं LLC, LLB नहीं LLC. That is loss of KMP, loss of major market, principal suppliers, labor difficulty and competitor. ठीक है, LLC. And other indicators. तो other indicator क्या है? तुम्हारा CPU damage हो गया. तुम्हारा CPU damage हो गया. Other indicator. That is C for changes in law. Then उसके बाद pending litigation. C से compliance with law regulation. C for changes in law. P से pending litigation. And you say uninsured, oblique underinsured, catastrophes. ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो financial indicators, said INC. Financial indicators, said INC. ठीक है ना, तो Indian National Congress बहुत ही sad हो गई क्योंकि financial indicator उनका डामाडोल हो गया है. Operating indicators, LLC. Operating indicators क्या है? LLC. Labor loss competitor. Labor loss competitor. एंड अदर इंडिकेटर्स यानी CPU, ठीक है. उसके बाद आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट, मेन पार्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो तुमको पता है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन लग जाता है, तो यहां भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन लगेगा.
जैसे कि ऐसे 315, ऐसे 315 हर जगह लगना है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, परफॉर्म रैप, कंडक्ट इंक्वायरी, लगना ही लगना है। ऐसे 200 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बेसिक है, ऐसे 560 का भी एप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि जब तुम गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करते हो तो तुमको सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से तुम्हारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया है। तुम उन इवेंट्स को तो देखोगे ही देखोगे जो 31 मार्च तक एग्जिस्ट कर रही हैं, जो गोइंग कंसर्न को खतरे में डाल रही हैं, बट तुम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसिडर करोगे जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे 560 एंड उसके अलावा ऐसा 700 705, ये तो सारा आएगा। 700 क्यों आएगा पता है? याद करो, ऐसे 700 में कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ताऊ कोमा, तो क्या हुआ? गोइंग कंसर्न खतरे में, उसमें एक पैराग्राफ क्या था? गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, जिसका मैंने तुमको बताया था कि इसको याद रखना, मुर्गा पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो इसलिए 700 का भी रेफरेंस आएगा, ऐसे 700 का भी रेफरेंस आएगा, देन ऐसे 580 WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जिसका यहाँ पे एप्लीकेशन आने वाला है। ऐसे 315 रैप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ऐसे 200 प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, देन ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसिडर करना है। 200 हो गया, 315 हो गया, 580 हो गया, ये तो कॉमन है, हर जगह ही लगना है, राइट। यहाँ पे मेनली क्या स्पेसिफिक? 560 700। क्योंकि 560 में क्या किया था कि गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी सब्सिक्वेंटली हैपनिंग इवेंट जो 31 मार्च के बाद हुआ। तो सिंपल सा चीज है, अपने को तो इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करना है। 31 मार्च तक वो इवेंट हुआ था तो नॉर्मल इवेंट, 31 मार्च के बाद हुआ तो सब्सिक्वेंट इवेंट। तो एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है? सबसे पहले एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है? आई नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, तुम कहीं भी लिख सकते हो। सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल आया, क्या करना है? एज ए ऑडिटर आई नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। गोइंग कंसर्न का सवाल आया, आई नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 570। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री का सवाल आया, आई नीड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 501। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का सवाल आया, आई नीड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 505। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस का सवाल आया, तो आई नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 510। समझ रहे हो? जॉइंट ऑडिट का सवाल आया, तो आई नीड टू गिवन द परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर तुम्हारा मेन आंसर का ड्राफ्टिंग। तो ये कुछ कॉमन कंटेंट बिल्डर्स है। फिर हर स्टैंडर्ड का एक इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तुम उसके बारे में बताओ, फिर तुम मेन आंसर में आओ। वो भी डिपेंड करता है, अगर तुमको जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत अच्छे से आता है तो तुमको जो स्टार्टिंग का पार्ट है स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन ये वो थोड़ा कम कर सकते हो, ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम बस ऐसे का इंट्रोडक्शन दो, ऐसे का रेफरेंस दो और अपना मेन आंसर में आ जाओ, क्योंकि तुमको मेन आंसर बहुत अच्छे से आता है। मान लो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आ गया, तुमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद है सैड आईएनसी, तो अब तुम सिंपल सा लिख सकते हो सैड आईएनसी 570 का रेफरेंस देकर। बट कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें तुमको अंदर का कंटेंट थोड़ा कम आता है, तो ये क्या सारे कंटेंट बिल्डर्स हैं। फिर तुम क्या करोगे? एसेस करोगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या करोगे? एसेस करोगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जब तुम एसेस करोगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जब तुमको पता चलेगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्टेन करोगे एविडेंस। ऐसे 500 तो यहां लिखा ही नहीं, वो तो बेसिक स्टैंडर्ड है, उसका एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा। और फिर फाइनली क्या करोगे? रिपोर्टिंग। वो ऐसे 700 705 706 वो तो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कुल मिलाकर ये चार सिनेरियोज में डिवाइडेड है। परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन द एसे, एसेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऑब्टेन एविडेंसेस, एंड फाइनली क्या है? रिपोर्टिंग, ठीक है। अब जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो इस स्टैंडर्ड में दिया गया है,
उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, याद है जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस किया था तो ऑडिट प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, ऑडिट प्रोसीजर्स वॉज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इस स्टैंडर्ड के अंदर भी जो ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। इस स्टैंडर्ड में भी ऑडिटर के प्रोसीजर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तुमसे पूरा प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा, या तो एग्जाम में वो तुमसे स्पेसिफिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछेगा या तुमसे एग्जाम में स्पेसिफिकली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा, दे विल स्पेसिफिकली आस्क यू। ठीक है, अब सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करोगे, सबसे पहली चीज इंक्वायरी, यहां भी सबसे पहले आ रहा है इंक्वायरी, यहां डायरेक्टली आ रहा है इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी करेंगे जाके मैनेजमेंट से कि आपने गोइंग पहले हम उनसे ये इंक्वायरी करेंगे, पहले सीधा ये नहीं पूछोगे कुछ ऐसा हुआ क्या, पहले पूछोगे क्या आपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है। वो बोलेगा नहीं किया तो हम बोलेंगे कर लीजिए, क्यों नहीं किया। अगर वो बोलेंगे असेसमेंट किया, अब पूछोगे आपको कोई ऐसा इवेंट मिला क्या, आपको कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर दिखा था क्या, आपको कोई अदर ऑपरेटिंग इंडिकेटर दिखा था क्या। और अगर वो बोल रहा नहीं किया तब डिस्कस करोगे क्यों नहीं किया, आप किस बेसिस में गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलो कर रहे हो, आपने असेसमेंट भी नहीं करा तो विदाउट इवन असेसिंग आपने किस बेसिस में, आप किस बेसिस में क्या कर रहे हो, गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉलो कर रहे हो। तो हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि आपने असेसमेंट किया गोइंग कंसर्न असम्पशन का, मैनेजमेंट बोलेगा यस क्या नो। अगर मैनेजमेंट बोलेगा यस तो हम क्या करेंगे, डिस्कस वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट्स ऑब्लिक कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। डिस्कस क्या करेंगे मैनेजमेंट से कि क्या आपने उन इवेंट्स या उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया है, उन इवेंट्स या उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया है कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ऐसे 560 में हम इवेंट्स ऑब्लिक फैक्ट्स देखते थे, यहां इवेंट्स ऑब्लिक कंडीशंस देख रहे हैं, इवेंट्स ऑब्लिक कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अगर मैनेजमेंट बोलेगा नहीं मिस्टर ऑडिटर हमने तो कोई असेसमेंट नहीं किया, तब पूछोगे आपने अगर असेसमेंट नहीं किया तो क्या बेसिस है, आप किस बेसिस में गोइंग कंसर्न असम्पशन यूज कर रहे हो, व्हाट इज द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन। एंड दोबारा से पूछोगे वेदर एनी इवेंट्स ऑब्लिक कंडीशंस वेयर देयर कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। यहां मैंने डॉट 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 लिख दिया, डॉट 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 मतलब सेम, ये सेम सेम फ्रेज आ जाएगा यहां पे पूरा, इसलिए मैंने डॉट 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 लिख दिया कि ये कहानी सेम आएगा। तो अगर मैनेजमेंट बोलता है नहीं तो मेनली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये नो वाला पार्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आने से कहां आएगा, नो वाला पार्ट कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया तो आप क्या करोगे, तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट से पूछोगे व्हाट इज द बेसिस फॉर द इंटेंटेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन। और आप पूछोगे मैनेजमेंट से वेदर मैनेजमेंट हैव यू कंसिडर्ड, हैव यू आइडेंटिफाइड दोज इवेंट्स, दोज कंडीशंस कास्टिंग डाउट, आपको कोई भी इवेंट्स मिला था क्या, आपको कोई भी कंडीशंस मिला था क्या कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो आपने परफॉर्म किया रैप, और रैप में क्या करा इंक्वायर, इंक्वायर क्या करा मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया कि नहीं किया। अब आंसर यस आए या नो आए, आप क्या देखने वाले हो, क्या मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है इवेंट्स ऑफ द कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न। वो बोलेगा नो तो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या है, किस बिना पर, किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो गोइंग कंसर्न असम्पशन यूज कर रहे हो विदाउट इवन असेसिंग, और क्या आपको कोई ऐसा इवेंट मिला था क्या, कोई क्या ऐसा कोई इवेंट है क्या, कोई ऐसा कोई कंडीशन है क्या जो डाउट कास्ट कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है जो अब हम लोग स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स वो इंपॉर्टेंट था, और अब जो पार्ट है एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब देखना जो अगला एरिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, या फिर आप बोल सकते हो ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेदर इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। अब देखना यहां पे, अगर फाइनली तुमने क्या इंक्वायर किया था मैनेजमेंट से कि क्या आपको कोई ऐसा इवेंट मिला है, ऐसा कंडीशन मिला है दैट इज अफेक्टिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तुमने वो इंक्वायर किया था कंपनी से, ठीक है। अब अगर कोई इवेंट मिला है, अगर कोई कंडीशन मिला है दैट इज कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, अब इसके लिए तुम भी क्या करोगे, प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करोगे, तुम मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक करोगे, तुम लोन एग्रीमेंट चेक करोगे, तुम काफी सारी चीजें चेक करोगे। तो अगर इवेंट्स या कंडीशंस तुमने आइडेंटिफाई किया कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, अब तुम क्या करोगे, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, तो क्या करोगे, एसडब्ल्यूई ऑब्टेन करोगे। तो क्या ढूंढोगे तुम, इवेंट कंडीशन, इवेंट कंडीशन, और फिर क्या लोगे उसका एविडेंस, तुमने आइडेंटिफाई किया इवेंट कंडीशन, क्या ऑब्टेन किया तुमने उसका एविडेंस। अब तुम साथ ही साथ कंसिडर करने वाले हो मिटिगेटरी फैक्टर्स, मिटिगेटरी फैक्टर्स। अब ये ऐसा फ्रेज है पूरे स्टैंडर्ड्स में सिर्फ एक ही जगह यूज होता है ऐसे 570 में, और कहीं यूज नहीं होता। ऑल्सो कंसिडर मिटिगेटरी फैक्टर्स, मिटिगेटरी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कंपेंसेटरी फैक्टर्स, कंपेंसेटरी फैक्टर्स कि भाई आपने उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या किया, आपने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या किया। मान लो लैट से कंपनी बोलती है कि आग लग गया, लॉस हो गया, तो आपने इंश्योरेंस करा रखा था क्या, अगर इंश्योरेंस करा रखा था तो वो क्या मिटिगेटेड फैक्टर। हमारा मेन सप्लायर चला गया तो आपने कोई दूसरा सप्लायर ढूंढा कि नहीं ढूंढा, कोई दूसरे सप्लायर से बातचीत चल रही है, मिटिगेटेड फैक्टर। जिन बैंक से हम फंडिंग्स लेते थे उस बैंक ने लोन देने से मना कर दिया बट हमारा ऑल्टरनेटिव बैंक से बात हो गया, मिटिगेटेड फैक्टर, कंपेंसेटरी फैक्टर। साउथ का मार्केट हमने लूज कर दिया मेजर मार्केट बट हमने क्या कर दिया, नॉर्थ में अपना बेस पेनिट्रेट कर दिया, मिटिगेटरी फैक्टर। तो मतलब आपने क्या किया है, कुछ ऐसा है, कोई ऐसा फैक्टर है क्या जिससे आपका रिस्क कंपेंसेट हो रहा है, जिसका आपका रिस्क नलीफाई हो रहा है, कंपेंसेटरी फैक्टर। तो ऑल्सो कंसिडर मिटिगेटरी फैक्टर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, हमें इवेंट कंडीशन मिला, आइडेंटिफाई किया हमने, हमने जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑब्टेन करा, हमने डिबेंचर्स एग्रीमेंट देखे, हमने लोन एग्रीमेंट देखे, हमने सारा कुछ रिव्यू करा, तो हमें क्या मिला, कंडीशंस मिला, इवेंट मिला। तो अब हमें गोइंग कंसर्न के असेसमेंट में डाउट हो रहा है कि शायद गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। अब याद रखना ये एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है कि तुमको रट्टा मारना पड़ेगा इस फ्लो में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि डियर मैनेजमेंट काइंडली मेक योर असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। हमें इवेंट्स मिला है, हमें कंडीशन मिला है, हमें गोइंग कंसर्न पर डाउट है, तो आप एक बार एक काम करो, अच्छे से गोइंग कंसर्न असेसमेंट को एसेस कर लो। आप एक बार एक काम करो, गोइंग कंसर्न असेसमेंट को एसेस कर लो, क्योंकि आपके गोइंग कंसर्न को एसेस करना हमारा काम नहीं है, आपके गोइंग कंसर्न को एसेस करना हमारा काम नहीं है। हमें इवेंट मिला है, कंडीशन मिला है, इसलिए आपको बकायदा बता रहे हैं कि आप क्या कर लो, गोइंग कंसर्न को असेसमेंट कर लो, ठीक है। अब फिर तुम क्या देखोगे उसके बाद कि भाई ठीक है, इवेंट कंडीशन मिला मतलब गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो भाई मैनेजमेंट का क्या प्लान है, मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाया है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। मैनेजमेंट का कोई तो एक्शन प्लान होगा कि मैनेजमेंट सो रहा है, कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में है, इंडिकेटर मिला, कंपनी का मेन सप्लायर छोड़ के जा रहा है, इंडिकेटर मिला, कंपनी का मेन कस्टमर बेस लूज हो गया है, अपने को इंडिकेटर मिला, कंपनी का अगेंस्ट केस फाइल हुआ, इंडिकेटर मिला। तो मैनेजमेंट से क्या पूछेंगे, आपका क्या एक्शन प्लान है टू इंप्रूव द सिनेरियो, व्हाट इज योर एक्शन प्लान, आप क्या करने का सोच रहे हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आप क्या करने का सोच रहे हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या है टू इंप्रूव द सिचुएशन एंड इट्स फिजिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया टू मेक द असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, और मैंने इवैल्यूएट किया मैनेजमेंट का एक्शन प्लान कि मैनेजमेंट का क्या एक्शन प्लान है टू इंप्रूव द सिचुएशन एंड इट्स फिजिबिलिटी। अब क्या बोला,
अब बोला देखो, अब इस सिचुएशन में एंटिटी क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाता है, एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाता है कि भाई करंटली तो सिचुएशन दिख रहा खराब है, लेकिन वो एक फोरकास्ट स्टेटमेंट बनाता है, कैश फ्लो फोरकास्ट, कि आने वाले समय में हमें क्या लगता है हमारा क्या सिनेरियो रहेगा, आने वाले समय में हमें क्या लगता है हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, हमारा क्या कैश पोजिशन रहेगा। तो अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, तब अपन क्या देखेंगे, अब फोरकास्ट बनाने के लिए जब भी फोरकास्ट तैयार किया जाता है मेनली क्या यूज होता है, डाटा एंड अजम्पशन। ऐसे 540 में बताया था ना कि जब भी फोरकास्ट बनता है, जब भी अजम्पशन बनता है, जब भी एस्टिमेट बनता है किसी प्रकार का, तो मेनली क्या यूज होता है, डाटा एंड अजम्पशन। तो अगर क्लाइंट एक कैश फ्लो फोरकास्ट बना रहा है तो हम क्या इवैल्यूएट करेंगे कि भाई आप ये जो फोरकास्ट बना रहे हो, दिखा रहे हो कि हम भविष्य में इतना कमा लेंगे ये वो, तो उसके लिए आपने जो डाटा यूज किया रिलायबल है कि नहीं है, और जो अजम्पशंस आपने यूज किया है एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से कि कृपा करके अपना गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करें। फिर हमने इवैल्यूएट किया, क्या इवैल्यूएट किया, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान कि आपने क्या किया है टू इंप्रूव द सिचुएशन। फिर हमने क्या किया, अगर एंटिटी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, तो हमने क्या किया, हमने इवैल्यूएट किया रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, यूज टू डिटरमाइन इफ assumptions आर appropriate, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर लिया, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर लिया, तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट ने जिस दिन किया है, मान लो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट जिस भी दिन किया है, मान लो मैनेजमेंट ने 15 अप्रैल को गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है, तो भाई असेसमेंट करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करूंगा, मैनेजमेंट के असेसमेंट के बाद भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करूंगा, सिर्फ उसके असेसमेंट पर विश्वास नहीं करूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तारीख को मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया उस दिन मैनेजमेंट एक पार्टिकुलर डेट के अंदर असेसमेंट करके दे दिया, उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अराइज हो गया, तो मैं कंसिडर करूंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट। तो एक्चुअली हम लोगों को ए और डी साथ में पढ़ना चाहिए, एक्चुअली हमें ए और डी साथ में याद रखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट नंबर ए क्या था, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट, और पॉइंट नंबर डी क्या है, कंसिडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर मेकिंग द असेसमेंट। तो ये दो साथ में करेंगे तो इसलिए याद होगा कि रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से असेसमेंट कीजिए, और मैनेजमेंट असेसमेंट कर लेगा, उसके बाद भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे एक्शन प्लान, और उसके बाद अगर एंटिटी ने बनाया है कैश फ्लो फोरकास्ट तो इवैल्यूएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड अजम्पशंस यूज्ड, और फाइनली अपन क्या करेंगे, ऑब्टेन डब्ल्यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट से, दोस्त साथ गवर्नेंस से, कि जो एक्शन प्लान आपने बनाया है वो फिजिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है वो एक्शन प्लान हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट हम उसमें सवाल तो उठा नहीं सकते, तो हम लेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट कि ये जो एक्शन प्लान आपने बनाया है फिजिबल है। तो यहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स है कि और क्या करेंगे जब इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाएगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो कि असेसमेंट करें, जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर लेगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करो, साथ साथ बोलो मेरे, सबसे पहले क्या किया हमने, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट, देन कंसिडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर मेकिंग असेसमेंट, ये दो साथ में याद रहेगा। फिर हमने क्या किया, इवैल्यूएट किया मैनेजमेंट का एक्शन प्लान। अब देखो आइडियली अपने को बी और ई साथ में याद करना चाहिए, बी और ई साथ में याद करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में क्या है, इवैल्यूएट करो एक्शन प्लान, और पॉइंट नंबर ई में क्या है, ऑब्टेन डब्ल्यू आर रिगार्डिंग एक्शन प्लान, फिजिबिलिटी ऑफ एक्शन प्लान। तो ए और डी साथ में याद करो, और साथ में बी और ई साथ में याद करो, तो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, कंसिडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर मेकिंग द असेसमेंट, इवैल्यूएट एक्शन प्लान, ऑब्टेन डब्ल्यू आर रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ एक्शन प्लान। फिर एक पॉइंट खाली बच जाएगा कैश फ्लो फोरकास्ट का, कि अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट किया है, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड अजम्पशंस। तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट के ऊपर दो पॉइंट, और मैनेजमेंट के एक्शन प्लान के ऊपर दो पॉइंट, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में याद करोगे, इस फ्लो में याद करोगे। अब कहानियां खत्म नहीं होती है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में कहानियां खत्म नहीं होती है। अब और क्या करोगे, और क्या करोगे, बोला एनालाइज करोगे, रीड करोगे, इंक्वायर करोगे, परफॉर्म करोगे, कंफर्म करोगे, ये पांच वर्ड्स याद रखना। क्या करोगे,
एनालाइज करोगे, रीड करोगे, इंक्वायर करोगे, परफॉर्म करोगे, कंफर्म करोगे, एनालाइज करोगे, रीड करोगे, इंक्वायर करोगे, परफॉर्म करोगे, कंफर्म करोगे. क्या करोगे? एनालाइज करोगे, रीड करोगे, इंक्वायर करोगे, परफॉर्म करोगे, कंफर्म करोगे. क्या इंक्वायर करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, क्या रीड करेंगे, एनालाइज क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फोरकास्ट. तो जो कैश फ्लो फोरकास्ट हमने इवैल्यूएट किया था, जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया था मैनेजमेंट ने, हम उसे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो भी अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जो उस वक्त बना है, वो भी डिस्कस करेंगे. रीड क्या करेंगे? एक पॉइंट तो कॉमन है, हर जगह दिख जाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. अब क्योंकि यहां गोइंग कंसर्न की बात हो रही है, तो पार्टिकुलरली हो सकता है कोई लोन, कोई लोन एग्रीमेंट, कोई डिबेंचर एग्रीमेंट, वहां कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो रीड करेंगे लोन एग्रीमेंट, रीड करेंगे कोई डिबेंचर का एग्रीमेंट है तो वो. इंक्वायर किससे करेंगे, इंक्वायर क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन था कंपनी के अगेंस्ट, तो इंक्वायर करेंगे उसके बारे में लीगल काउंसिल से, इंक्वायर करेंगे उसके बारे में लीगल काउंसिल से, इंक्वायर करेंगे उसके बारे में लीगल काउंसिल से. नाउ दिस अपीयर्स टू बी अ मोर लॉजिकल आंसर. ये आंसर बहुत ज्यादा लॉजिकल है कि जब आपने इवेंट्स कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करोगे, जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया डिस्कस करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, तुमको लिटिगेशन के बारे में पता चला तो लॉयर से बातचीत करोगे, तुम क्या करोगे, परफॉर्म प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, परफॉर्म क्या करोगे, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, परफॉर्म क्या करोगे, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, एंड कंफर्म क्या करोगे, कंफर्म करोगे एग्जिस्टेंस टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरिंग फैसिलिटीज, कंफर्म करोगे एग्जिस्टेंस टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरिंग फैसिलिटीज, कि बोरिंग फैसिलिटीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को अगर बिजनेस चलाना है तो कंपनी को फंड्स की जरूरत होगी, पैसा का जरूरत होगा, तो बोरिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर बोरिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट करता तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाला है, ऐसा तो नहीं कि पता चला बोरिंग तो मिल रहा है बट इतने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है कि उससे और गोइंग कंसर्न डामाडोल हो जाए, एंड एडिक्वेट बोरिंग फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं, कंपनी को चाहिए 20 करोड़ की फंडिंग लेकिन कंपनी के पास है 5 करोड़ की बोरिंग फंडिंग, बोरिंग फैसिलिटीज, ठीक है. तो एनालाइज करेंगे, रीड करेंगे, इंक्वायर करेंगे, परफॉर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे. देखना ये एक पार्टिकुलर आंसर है जिसको मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है 50% समझ में आएगा बट आपको इसको लर्न बाय हार्ट करना है. इसके अलावा ऐसे 570 में और कुछ भी लर्न बाय हार्ट नहीं करना है. रिपोर्टिंग अभी करेंगे वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है, खाली ये वाला टॉपिक इसको लर्न बाय हार्ट करना है. मैं हमेशा बोलता हूँ लर्न बाय हार्ट, क्योंकि रट्टा भी मारना है तो अपने को दिल से मारना है ना, लर्न बाय हार्ट. तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर इवेंट्स कंडीशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो एसडब्ल्यू अगर ऑब्टेन किया, मेनली यहाँ से आंसर चालू हो रहा है कि मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कीजिए, असेसमेंट के बाद भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट और उसकी फिजिबिलिटी के बारे में डब्ल्यूआर लेंगे. क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कीजिए, गोइंग कंसर्न के असेसमेंट के बाद भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट और साथ ही साथ क्या करेंगे उसके बारे में डब्ल्यूआर लेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे एक्शन प्लान और उसके बारे में डब्ल्यूआर लेंगे, और अगर कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो फिर उसकी डाटा की रिलायबिलिटी को चेक करेंगे, अजम्पशन को चेक करेंगे, आगे चल के दिया भी है कि हम कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे उस कैश फ्लो फोरकास्ट को, फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करेंगे, डिबेंचर एग्रीमेंट रीड करेंगे, लोन एग्रीमेंट रीड करेंगे, फिर उसके बारे में लिटिगेशन के बारे में इंक्वायरी करेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. मतलब कुल मिला के कहानी क्या है कि भाई कुल मिला के कहानी यह है कि तुम क्या करो, लोन एग्रीमेंट से रीड करो, लिटिगेशन के बारे में पता लगाओ, सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करो, बोरिंग फैसिलिटीज का पता लगाओ. तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. और अपना लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज वेरी लॉजिकल, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी सिंपल. रिपोर्टिंग एज पर एस 570. अब देखना रिपोर्टिंग को हमने चार सिनेरियोज में डिवाइड किया, चार सिनेरियोज में. पहला सिनेरियो, जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट ने बनाया है वो एप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. दूसरा सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो,
जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट बनाया है वो इनअप्रोप्रिएट है, कंपनी बंद होने वाला है, दिख रहा है साफ कंपनी बंद होने वाला है। लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करना चाहिए था, गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो किया। तो ये तो हो गया बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो क्या है? राम राज्य चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है। दूसरा क्या है? वर्स्ट केस सिनारियो कि भैया साफ दिख रहा है कि कंपनी बंद होने वाला है, लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग बननी चाहिए थी, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। अब इन दोनों सिनारियोज में रिपोर्टिंग तुम इजिली बता सकते हो मुझे। राम राज्य चल रहा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है। अब यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन वर्ड यूज मत करना, अब यहां पे तो तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है भैया, गोइंग कंसर्न ही इनअप्रोप्रिएट है, सीधा सीधी एडवर्स बोल सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है, सीधा सीधी एडवर्स बोल सकते हो, क्योंकि तुम एविडेंस लेकर कंक्लूड कर पा रहे हो कि गोइंग कंसर्न ही क्या है, इनअप्रोप्रिएट। उसके बाद एक थर्ड सिनेरियो देखते हैं, फिर सेकंड में आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट असेसमेंट कर ही नहीं रहा गोइंग कंसर्न का, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक असेसमेंट, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक असेसमेंट, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर रहा। तो मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर रहा तो तुम क्या करोगे? तुम कंसिडर करोगे इम्प्लीकेशन ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट, तुम कंसिडर करोगे इम्प्लीकेशन ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट कि भैया इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए। अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अब तुम यहाँ पे एडवर्स दे नहीं सकते, क्योंकि एडवर्स तो तब दोगे जब तुम पूरा पूरी श्योर हो जाओगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है। तुम यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे नहीं सकते क्योंकि वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, तो यहां पे फिर से क्वालिफाइड या एडवर्स, सॉरी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, राइट। तो ये तीन सिनेरियो तो बहुत आसान है। पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन 705, 700 ऐसे 700। दूसरा सिनेरियो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है, एडवर्स ऐसे 705, ठीक है। फिर तीसरा सिनेरियो मैनेजमेंट अनविलिंग है टू मेक असेसमेंट, इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रहा, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। अब चौथा सिनेरियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है, सुनो 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 ध्यान से सुनो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है मगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई अनसर्टेनिटी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो अप्रोप्रिएट है मगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। देखो एक होता है कि तुम श्योर हो कंपनी का गोइंग कंसर्न डामाडोल है, गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी कभी भी बंद हो सकता है, लिक्विडेशन बेसिस में अकाउंटिंग बननी चाहिए। और एक है कि तुमको डाउट है, इंडिकेटर है, खतरा है। अब मुझे इंडिकेटर है, मुझे खतरा है कि तुम शायद एग्जाम में पास नहीं होगे, तो भाई भले ही मुझे खतरा लग रहा है, मुझे डाउट है, लेकिन जब तक तुम एग्जाम नहीं दे देते, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं तो नहीं बोल सकता ना। तो यहां पे मुझे खतरा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, अभी तो सिर्फ इंडिकेटर है, खतरा है, हो सकता है कल को गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए। आज की तारीख में तो असेसमेंट सही है, बट कुछ मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एक केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट। तो आज केस चल रहा है कोर्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी मजे से धंधा कर रही है, कोर्ट केस हो सकता है 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, बट एक मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है कि कल को कंपनी उस कोर्ट केस में हार जाती है, तब कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। समझ रहे हो? तो यहां पे तुम एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, नहीं दे सकते, यहां पे तुम एडवर्स ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है। तो एडवर्स ओपिनियन तो आउट ऑफ द सिनेरियो हो गया, एडवर्स ओपिनियन यहां पे नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहां पे देखना, अब लॉजिकली सोचना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है बट मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मैटरल अनसर्टेनिटी क्या कर रही है सर, एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दिस सिनेरियो में क्या करूंगा, इन दिस सिनेरियो में क्या करूंगा, अब देखना। मेरा जो मेन इंफोसिस होता है, मेरा जो मेन इंफोसिस में होता है, मेरा जो मेन इंफोसिस होता है वो किस चीज में होता है, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली चीजों को डिस्क्लोज किया है या प्रॉपरली चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया है। मेरा जो मेन इंफोसिस होता है वो किस चीज में होता है, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली चीजों को डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। मान लो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट ही है, लेकिन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उस चीज का डिस्क्लोजर प्रॉपरली बुक्स में दे रखा है,
कि हमारा गोइंग कंसर्न बराबर नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिक्विडेशन के हिसाब से बनाया हुआ है। तुम ऑडिट कर रहे हो, तुमने देखा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है, बट मैनेजमेंट ने भी बकायदा लिक्विडेशन बेसिस में अकाउंटिंग की हुई है, मैनेजमेंट ने उस चीज का डिस्क्लोजर बुक्स में दे रखा है। तो इन दैट सिनेरियो तुम एडवर्स ओपिनियन नहीं दोगे, तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। तुमको इससे मतलब नहीं है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न डामाडोल है, तुमको इससे मतलब है कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है, वो सही है या नहीं है। तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट भी है, बट कंपनी ने उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब तुम क्या दोगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दोगे। हाँ, तुम उसके बारे में डिस्क्लोजर दे सकते हो, ईओएम पैरा में डिस्क्लोजर दे सकते हो, केएएम पैरा में डिस्क्लोजर दे सकते हो, तुम डिस्क्लोजर दे सकते हो। और अगर इसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है, दे आर कंटिन्यूइंग टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, तब तुम जाके क्या करोगे? एडवर्स ओपिनियन दोगे। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर है। अब मान लो मटेरियल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, तो याद करो ऐसे 701, याद करो 701 की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड। मैंने वहां तुमको बताया भी था कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, कहने को ये क्या है? की ऑडिट मैटर है। कहने को ये क्या है? की ऑडिट मैटर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर ये की ऑडिट मैटर है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर 701 के अकॉर्डिंग आएगा क्या इन द की ऑडिट मैटर पैरा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तुमको वहां बताया था कि इसके लिए अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, मुर्गा पैराग्राफ। तो यहां पे हमारे पास सेपरेट गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है फॉर द सेम इन एसए 500, जिसके अंदर अपने को रिपोर्टिंग करना है इन अकॉर्डेंस विद 570। ठीक है, तो मेटल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न की बात करें, तो ये टेक्निकली की ऑडिट मैटर है, बट ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेट गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, सेपरेट गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ हमने बनाया हुआ है। इतना क्लियर है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट, डिस्क्लोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब एक चीज मुझे बताना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन अप्रोप्रिएट, डिस्क्लोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने लिखा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और मैंने लिखा साथ में डिस्क्लोजर इन ईओएम / केएएम। मैंने यहां पे डिस्क्लोजर इन मुर्गा पैराग्राफ क्यों नहीं लिखा? मैंने यहां पे डिस्क्लोजर इन गोइंग कंसर्न पैराग्राफ क्यों नहीं लिखा? गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, डिस्क्लोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैंने बोला अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस डिस्क्लोजर इन ईओएम / केएएम। मैंने यहां पे डिस्क्लोजर इन गोइंग कंसर्न पैराग्राफ क्यों नहीं लिखा? नहीं, तो यहां पे भी हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दिया, मेटल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। यहां पे भी हम साथ में ऐसा 70 के अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्ट कर रहे हैं सिनेरियो में, और साथ में हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दे रहे हैं। तो यहां पे मैंने गोइंग कंसर्न पैराग्राफ लिखा, यहां पे मैंने गोइंग कंसर्न पैराग्राफ नहीं लिखा, क्या रीजन है? वो जो 700 वाला पैराग्राफ था ना, गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ, वो सिर्फ डील करता है विथ मटेरियल अनसर्टेनिटीज टू विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। जब अनसर्टेनिटी है, जब तुमको गोइंग कंसर्न के बारे में अनसर्टेनिटी पे डाउट है, ठीक है ना, बट मैनेजमेंट ने क्या, देखो सोचो, तुमको गोइंग कंसर्न के बारे में अनसर्टेनिटी है, तुमको उस पर डाउट है, बट मैनेजमेंट ने उसके बारे में अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर रखा है? डिस्क्लोजर तो दे रखा है। मान लो कंपनी के खिलाफ केस पेंडिंग है, तो एक अनसर्टेनिटी है, बट कंपनी ने क्लियर कट अपने बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियर कट उस केस के बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है, डिटेल्ड मैनर में डिस्क्लोजर दे रखा है कि भैया हमारा ऐसा सा केस है, और अगर हम हार जाते हैं तो हमारे ऊपर ये फाइन लगेगा, ये पेनल्टी लगेगा, ये हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन पार्टी नहीं, वन सर्टेनिटी हुआ ना, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटी के बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है, तो तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे या अनमॉडिफाइड ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन लॉ मेकर क्या बोलता है? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इसको अलग से गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्ट कर दो। जब गोइंग कंसर्न पैराग्राफ नहीं हुआ करता था, तो उसी चीज को तुम ईओएम में रिपोर्ट किया करते थे। अगर अभी गोइंग कंसर्न पैराग्राफ ना होता, तो तुम उसी चीज को केएएम में रिपोर्ट करते।
लेकिन बोला कि क्योंकि ये इतना सिग्निफिकेंट मैटर है, आप इस चीज को क्या करो, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्ट कर दो, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्ट कर दो। ठीक है, अब यहां पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, मतलब मेटल अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं ना। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, वी आर नॉट श्योर आगे क्या होगा, हम तो कंक्लूड कर पा रहे हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, उसका डिस्क्लोजर दिया हुआ है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो जाएगा, बट मेटल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में तुम कैसे डालोगे, वो तो अनसर्टेनिटी का है, तो यहां पे तुम डालोगे इम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में या की ऑडिट मेटा पैराग्राफ में एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, अब इस चार्ट में आना दोबारा से, थर्ड जो सेकंड केस था अपना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा अप्रोप्रिएट है बट मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, बट मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहां भी दो बातें देखेंगे, क्या कंपनी ने उस मेटल अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया है या कंपनी ने उस मेटल अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया है। अगर कंपनी ने उस मेटल अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया है तो हम तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, यहां भी हम तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, मॉडिफाइड में क्या जाएगा, क्वालिफाइड जाएगा या एडवर्स भी जा सकता है, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि मेटल अनसर्टेनिटी है तो क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स एज द केस मे बी, एज द केस मे बी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, इन अप्रोप्रिएट था तो श्योर था एडवर्स ही होगा। अब यहां पे डिस्क्लेमर नहीं हो सकता क्योंकि तुम कंक्लूड तो कर पा रहे हो ना कि मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तुमको एविडेंस तो मिल रहा है ना, तो डिस्क्लेमर नहीं हो सकता, एदर क्वालिफाइड होगा और एडवर्स होगा डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट। अच्छा, यहां पे गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आएगा क्या, यहां पे गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आएगा अगर डिस्क्लोजर नॉट मेड, अब जरूरत नहीं है डिस्क्लोजर नॉट मेड, तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड एडवर्स कर चुके हो। मुर्गा पैराग्राफ कब था कि अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्क्लोजर दे रखा है तो तुम एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो और साथ में तुम गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में उस अनसर्टेनिटी के बारे में बता दे रहे हो। इसलिए जो ऐसा 700 था कंटेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर वो पैराग्राफ आता था, सिंपल लॉजिक था उस गोइंग कंसर्न पैराग्राफ का कि भाई गोइंग कंसर्न के रिगार्ड में अनसर्टेनिटी है बट मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न के बारे में अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्क्लोजर दे रखा है तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब तो ये होता है कि मेंबर को लगेगा सब कुछ सही है, तो तुमको उस अनसर्टेनिटी के बारे में अलग से क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में। लेकिन अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है, तुमने क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन कर दिया, फिर तो तुम वहां रिपोर्टिंग कर ही दोगे बढ़िया से, बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन बेसिस फॉर एडवर्स। तो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आएगा कब, जब अनसर्टेनिटी है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्लाइंट ने दिया है, सॉरी ऑडिटर ने दिया है, तो और तुमको साथ में हाईलाइट करना है गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी के बारे में यूजर को बताना है, तो तुम गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में बता दोगे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है बट मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे बट साथ में आप डिस्क्लोज करोगे इन द मुर्गा पैराग्राफ, इन द गोइंग कंसर्न पैराग्राफ एज पर एसएस 700। ठीक है, अब हर पैराग्राफ का पर्पस डिफाइंड है ना, कौन से पैराग्राफ में कब क्या डालोगे, तुम हर चीज हर जगह डालते रहोगे फिर मतलब क्या है। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो ऑफ द स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फ्लो ऑफ द एंटायर स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहले तीन इंडिकेटर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सैड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, LLC, लॉस, लेबर, कॉम्पिटिटर, अदर इंडिकेटर्स, CPU। लॉजिकली भी याद कर सकते हो, फॉर्मुला की वैसे जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्म द प्रोसीजर्स गिवन इन द एसे, एसेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऑब्टेन एविडेंसेस, रिपोर्टिंग। फिर रैप करेंगे, इंक्वायर करेंगे, असेसमेंट किया कि नहीं किया, किया है तो डिस्कस करेंगे वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड द इवेंट्स और कंडीशंस, नहीं किया है तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि व्हाट इज द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंड वेदर एनी इवेंट्स ऑब्लिक कंडीशंस एग्जिस्ट कास्टिंग डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। फिर एडिशनल AP व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट करने के बाद भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, इवेलुएट करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज एक्शन प्लान ऑफ द मैनेजमेंट,
और डब्ल्यू आर लेंगे रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द एक्शन प्लान, और अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो एजम्पशंस एंड डाटा को देखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डिबेंचर्स एग्रीमेंट, इंक्वायर करेंगे लिटिगेशन के बारे में, परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ बोरिंग फैसिलिटी। और फाइनली आता रिपोर्टिंग, जो अपने चार स्टेजेस में डिवाइड होता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इन एप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन, एप्रोप्रिएट है बट मेटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो डिस्क्लोजर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर डिस्क्लोजर नॉट मेड, डिस्क्लोजर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड नॉट मेड क्वालिफाइड एडवर्स, और अनमॉडिफाइड के साथ जाएगा मुर्गा पैराग्राफ। ठीक है, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट है तो डिस्क्लोजर अगर दिया है कंपनी ने तब तो फिर भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। साथ में हम हाईलाइट कर देंगे उस चीज को इन द ईओएम ऑफ द केएएम पैरा, और डिस्क्लोजर नॉट गिवन तो एडवर्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के अंदर इंस्टीट्यूट क्या ट्रिक खेलता है, अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, देखो फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर, एडिशनल प्रोसीजर। अब तुम देखो इतना लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड पैरा, इतने सारे पॉइंट्स, अब क्वेश्चन उसने किस तरीके से पूछा है या किस तरीके से किसी स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट करके पूछा है। ठीक है, देखना, हाँ देखने में तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई। सी ए सौमिया is auditor of a company engaged in rearing of poultry birds and obtaining eggs therefrom. The company has performed very well since its incorporation in 2013. Its sales had also grown and the company had expanded its market from the native northern state. मतलब ये फालतू का बकवास ही कर रहा है कुछ। एक काम करते हैं, last line देख लेते हैं। Management has prepared a cash flow forecast for her examination. Discuss the approach to be adopted by her in examining the going concern assumption, keeping in view above with specific reference to cash flow forecast. Question कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अभी कहानी रीड करोगे तो 10 मिनट कहानी में ही खो जाओगे। और लास्ट लाइन में क्या बोला कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है एग्जामिनेशन के लिए। डिस्कस द अप्रोच टू बी अडोप्टेड बाई हर इन एग्जामिनिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो तुमको किस बेसिस में बात करना है, खाली कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में तो उतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, मेनली दो ही चीज था, डाटा और अजम्पशन मेनली दो चीज था वहां पे। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है सिचुएशन में, सबसे पहले बैकग्राउंड कि जब भी ऑडिटर इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई करेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद मैनेजमेंट ने अगर फोरकास्ट बनाया तो वो क्या करेगा, और उसके बाद देखो अब पार्टिकुलरली उसके बाद आंसर लिखने के लिए स्पेसिफिक कहानी काम आती है, मेन आंसर तो तुम ऐसे लिख दोगे। अब उसके बाद अगर तुमको कुछ स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन लिखना है तब जाके वो क्वेश्चन वाला इंफॉर्मेशन जो है काम आता है। तो मेन अब लास्ट लाइन तुमको रीड करने से, आइडेंटिफाई करने से फायदा क्या मिल गया, तुमको फायदा ये मिल गया पार्टिकुलरली कि तुमको पता चल गया क्वेश्चन किस बारे में। अब अगर ये क्वेश्चन में अपने आप ही आंसर में बहुत अच्छा कंटेंट होता कि भाई 4-5 पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, 8-9 पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो तुमको केस स्टडी रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अब ये क्वेश्चन इसने ऐसे मुद्दे पे पूछा है जिसके ऊपर तुम्हारे पास दो लाइन ही अवेलेबल है, तो अब तुमको थोड़ा बहुत केस स्टडी भी रेफर कर लेना चाहिए कि उस बेसिस में मैं क्या पता कुछ और अच्छा लिख सकूं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पिछले 2 साल से कंपनी का फॉर्च्यून नॉस ड्राइव हो गया है, पहले पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, फिर बर्ड फ्लू आ गया, मुर्गियों का बिक्री का जो सेल है वो डिप हो गया है, 50 करोड़ से 10 करोड़ में आ गया है, लाइफ स्टॉक भी वाइप्ड ऑफ हो गया है, शी इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मैनेजमेंट अब न्यू बैचेस ऑफ बर्ड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अर्लियर वर्किंग फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी ग्रांटेड बाय द बैंक हैव आल्सो बीन रीस्ट्रक्चर्ड, शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट रिपेमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड टर्म लोन्स आर टू बिगिन फ्रॉम एंशोइंग ईयर, नो कैश क्रेडिट फैसिलिटीज हैव बीन ग्रांटेड बाय द बैंक, कंपनी ऑल्सो प्लान लॉन्गर क्रेडिट फ्रॉम एनिमल फीड सप्लायर्स। यानी ये क्या दे रहा है, मिटिगेटरी फैक्टर। कंपनी क्या कर रही है, लॉन्गर क्रेडिट प्लान कर रही है, रिस्ट्रक्चरमेंट प्लान कर रही है, तो ये क्या सारा
मिटिगेटरी फैक्टर. ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करता था? मिटिगेटरी फैक्टर. कंपनी प्लान्स टू टेक एडिशनल मेजर्स टू प्रिवेंट द सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग एग्रेसिव वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, मोर फ्रिक्वेंट विजिट्स ऑफ वेटरनरी स्टाफ. अब क्या कर रही है कंपनी? एडिशनल मेजर ले रही है कि वो मुर्गियों का जो हेल्थ है वो सही सलामत रहे, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो, फ्रिक्वेंट विजिट्स हो. विलेजर्स इन सराउंडिंग एरियाज हैव अक्यूज्ड द कंपनी ऑफ स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन. ओके, विलेजर्स इन सराउंडिंग एरियाज हैव अक्यूज्ड द कंपनीज ऑफ स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन. अब एक हमें आंसर करना है स्पेसिफिकली एज पर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन विद रेफरेंस टू द कैश फ्लो फोरकास्ट. तो इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570 गोइंग कंसर्न अगर इवेंट्स कंडीशन आइडेंटिफाई हो रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने को एस डबल ई लेना चाहिए मेटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में, और इन एडिशन अपने को मिटिगेटरी फैक्टर्स के बारे में भी पता करना चाहिए जो लिखाया था. व्हेन एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड ए कैश फ्लो फोरकास्ट एंड एनालिसिस ऑफ फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कंसिडरिंग द फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन इन द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स. तो हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डिटरमाइन करेंगे assumptions lying in the forecast. इसमें तुम वो वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, कि डिस्कस विद द मैनेजमेंट, डिस्कस एंड एनालाइज कैश फ्लो फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट, वो वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो. इन द अबव सिचुएशन कैश फ्लो फोरकास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, देयरफॉर शी शुड. अब वापस से देखो, अब कंटेंट कम था ना इसलिए ऐसा ने भी कंटेंट फिल किया. मेन आंसर लिख दिया, इन द अबव सिचुएशन कैश फ्लो फोरकास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट. Therefore, she should carefully consider assumptions. For example, अब example दे दिया कि इस particular situation में for example क्या क्या चीजें check कर सकती हैं. अब ये logical वाली चीज है, देखो normally तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा. I am very much sure कि normally अब ये चीज तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा, ऐसा question आता भी एक दो ही है, तो ये वाला area तुम particularly avoid भी कर सकते हो कि normally तुम्हारे दिमाग में ये कभी नहीं आएगा. जो general provision है उसको तुम कैसे अच्छे से लिख सकते हो, सजा सकते हो, तुम उस चीज में फोकस करो. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसको क्या करना चाहिए, जो फ्रेश बैच ऑफ लाइफ स्टॉक के रिगार्डिंग अजम्पशंस लिया है उन्होंने उसको वेरीफाई करना चाहिए. फंड कैसे अरेंज होगा, कैश फ्लो फोरकास्ट रिजनेबल है कि नहीं उसका अजम्पशन देख लेना चाहिए, लोन सैंक्शन लेटर्स चेक कर लेने चाहिए, ये चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी अगर लॉन्गर क्रेडिट ले रही है तो कैश फ्लो फोरकास्ट को वो हेल्प करेगा क्या. ये चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी ने बोल तो दिया हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम इन सब चीजों में ज्यादा जो खर्चा आने वाला है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर होगा, क्या कंपनी ने उसको कंसिडर किया? तुम बोल तो रहे हो कि भाई एक्सेसिव वैक्सीनेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो खर्चा आएगा तुमने क्या उसको कंसिडर किया? अब देखो इसमें एक मुद्दा तुमको डेफिनेटली लिखना चाहिए कि विलेजर्स ने क्या अक्यूज किया कंपनी को ऑफ स्प्रेडिंग एयर पॉल्यूशन. हाउ डज द कंपनी प्लान टू डील विद द सेम? How does the company plan to deal with the same? Whether any proposed expenditure in this regard is accounted for in the cash flow statement? अब यहाँ पे ना एकदम लॉजिक वाला चीज है, मतलब यहाँ पे 100 में से एक बच्चा ही लिख पाएगा कि तुमको क्या देखना, कैश फ्लो फोरकास्ट सही बनाएगा नहीं. तो तुम एग्जाम्पल के साथ बोल सकते हो कि भैया मैं क्या देखूंगा कि आपने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते वक्त, इन सारी चीजों की भी अकाउंटिंग की नहीं की. आपने बोल तो दिया हम हेल्थ चेकअप करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट उसके लिए जो ज्यादा खर्चा लगेगा क्या उसको कंसिडर किया? ईयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, ईयर पॉल्यूशन इश्यू को आपने क्या करना है, क्या एक्सपेंडिचर इनकर करना है, आपने क्या उस चीज को टैकल किया, आपने क्या उसकी अकाउंटिंग करी? तुम ये सारा कुछ भी चेक करोगे, प्रैक्टिकली तो यही देखना है ना, तभी तो तुम देख पाओगे फोरकास्ट बराबर है कि नहीं है. डेटा अजम्पशन का मतलब क्या? प्रैक्टिकली तो यही देखोगे, अरे आपने ये फोरकास्ट बनाया है, आप लिख रहे हो कि हम वैक्सीनेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब फ्री में हो जाएगा क्या? इसका खर्चा तो आपने डाला ही नहीं है. आप तो खाली ये दिखा रहे हो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इसका खर्चा क्या हुआ, इसका एक्सपेंडिचर क्या हुआ, उसको भी तो कंसिडर करो. तो प्रैक्टिकली तो वही चीज देखने वाले हो, ठीक है? बाकी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. आई बिलीव मेनली जो क्वेश्चन आएगा ना इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, या तो वो तुम्हारा वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के पार्ट से आएगा, या तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के पार्ट से आएगा, या इंडिकेटर या रिपोर्टिंग. तीन क्वेश्चन जो इस स्टैंडर्ड की जान है, मतलब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या इंडिकेटर या रिपोर्टिंग.
एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, इंडिकेटर रिपोर्टिंग, ये तीन कॉन्सेप्ट तुमको स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिपोर्टिंग अब स्पेसिफिकली बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, और उसके बाद जो हमने सारा डिस्कस किया था वो था एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो जो पहला एरिया था ना वहां पे नोट्स में लिख लेना, जो हाँ जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये कैश फ्लो फोरकास्ट, मैनेजमेंट प्लान्स, असेसमेंट, ये जो पांच पॉइंट था उसका तो हेडिंग है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा था एनालाइज, डिस्कस, रीड, इंक्वायर, परफॉर्म, कंफर्म, उसका प्रॉपर हेडिंग बनता है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। कि ऑडिट प्रोसीजर्स के एग्जाम्पल क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन तुम परफॉर्म करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिटिगेशन आइडेंटिफाई किया तो तुम लॉयर से बात करोगे, तुमने कैश फ्लो फोरकास्ट एनालाइज करना है तो तुम मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, तुमको लोन में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो तुम लोन एग्रीमेंट रिव्यू करोगे, तुमको डाउट है कि बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ हुआ है तो तुम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तुमको कंपनी का फंडिंग एबिलिटी चेक करना है तो तुम बोरिंग फैसिलिटी एग्जामिन करोगे, ठीक है। बाकी तुम एक बार स्टैंडर्ड खाली बुक से रीड कर सकते हो। तो ऐसे 570 दैट इज गोइंग कंसर्न।